हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साहू। तो मैंने ना चबूतरा का एक नया ब्लॉग देखा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़की बार बार अपना थंबनेल क्यों चेंज करती है। इससे पहले भी मैसूर वाला जो ट्रिप था उसमें भी इसने स्टार्टिंग में थंबनेल कुछ और लगाया हुआ था एंड कुछ दिनों के बाद इसने अपना थंबनेल चेंज कर दिया। अभी लास्ट का जो ब्लॉग इसका आया है, लास्ट नाइट इसका ब्लॉग का जो थंबनेल था वो कुछ और था एंड अभी जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो फिर से थंबनेल चेंज हो गया। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि इसको आखिर प्रॉब्लम क्या है। एक बार में इसे थंबनेल लगाने नहीं आता, या फिर इसका एडिटर सही नहीं है जो थंबनेल लगाता है, या फिर और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती। बहुत लोग ना व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करते हैं कि थंबनेल चेंज कर देंगे तो व्यूज़ अच्छे आने लगेंगे, लेकिन इसे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला। इसके तो वैसे भी लाखों में व्यूज़ आते हैं, तो एकाद व्यूज़ अगर कम हो भी गए तो कोई भारी नुकसान तो नहीं होने वाला। बट फिर भी वो कहते हैं ना कि लालची इंसान को लालच जीवन भर लगा ही रहता है, तो हो सकता है वो सारी रीजंस होंगे इसके। उसके बाद अभी इसका जो नया एडिटर आया है, आप उसको देख लो कि वो बेचारा इतना छोटा सा बच्चा, मतलब इसके कंपैरिजन में तो खैर वो बच्चा ही है, कितने सारे गिफ्ट्स लेकर के आया है सबके लिए। एंड एवरी पर्सन सबके लिए लेकर के आया है, स्पेशली ये नहीं कि चबूतरा एंड गुटखा किंग के लिए लेकर के आया है। एंड वो लड़का क्या लेकर के आया है, तो वो परफ्यूम लेकर के आया है, जो परफ्यूम वो शायद खुद बनाता है या शायद उसकी कंपनी के थ्रू बनाया जाता है। तो वो अपनी कंपनी का सामान लेकर के इसको देने आया है कि आप इसे यूज़ करके देखो कैसा है, नहीं है, फिर मुझे अपना ओपिनियन देना। एंड ये भी नहीं कि सिर्फ गुटखा किंग को एंड चबूतरा को दिया है क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी हैं, बल्कि घर के हर एक मेम्बर को दिया है, हर एक पर्सन को दिया, सबके लिए लेकर के आया है। एंड इस बेशरम को ज़रा से भी शर्म नहीं आई कि मैं एटलीस्ट चलो उसको कुछ पैसे ही दे दूँ। अगर वो मुझे गिफ्ट दे रहा है तो मैं चलो उसका जितना का प्राइस है उतना नहीं भी दूंगी, तो थोड़ा बहुत कुछ दे दूँ कि लो तुमने मुझे दिया तो मैं ऐसे ही नहीं ले सकती, तुम्हें भी कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसके अंदर है ही नहीं। ये एक बच्चे को तो छोड़ती ही नहीं है, एक छोटे से बच्चे से ये टॉफ़ी ले लेती है कि अरे अरे इतना प्यार से लाया है फ्रेंड्सो, तो मैं कैसे एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंड्सो। तो एक बच्चे को तो खैर ये छोड़ती ही नहीं है उससे गिफ्ट लेना, तो फिर इतने बड़े लड़के को क्या ही छोड़ेगी। मतलब बेशर्मी की तो सारी हदें पार ही कर दी है इसने। इसके बाद इससे ज़्यादा तो खैर इसका गुटखा किंग जो है वो पलटू राम है। आई मीन सिचुएशन और जगह देख करके कितना जल्दी वो पलट जाता है। वो कहते हैं ना कि अपने इलाके में आने के बाद अपने घर के अंदर बिल्ली भी शेर बन जाती है, वही कहानी इसके साथ है। ये मौदा आने के बाद भीगी बिल्ली से सीधा शेर बन गया है एंड जो मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है वैसे चबूतरा को टॉन्ट किए जा रहा है, बोले जा रहा है उसे, मतलब कैमरा के सामने बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है एंड कोशिश भी नहीं, नीचा दिखा भी रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी अपने इलाके में है, मौदा जा चुका है एंड मौदा जाने के बाद तो खैर इसका तेवर बढ़ ही जाता है। बहुत सारी जगहों पे इसने चबूतरा को टोका है, बहुत सारी जगहों पे चबूतरा को बार बार बोल रहा है कि तुम मुंबई में ठीक रहती हो, मौदा आने के बाद मुझे बहुत परेशान करती हो, बहुत परेशान करती हो, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेरे बिना तुम्हारा कोई काम ही नहीं हो पाता। तो मतलब काफ़ी चीज़ें वो बार बार चबूतरा को सुना रहा है क्योंकि वो मौदा में है। एंड जब चबूतरा मेहर के स्कूल गई एंड वहाँ जाने के बाद जब उसने बताया कि मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं स्कूल में ही रुक जाऊँ, स्कूल में ही रह जाऊँ, तो चबूतरा को गुटखा किंग बोलता है कि ठीक है तुम यहीं पे जॉब कर लेना एंड वो भी कब, जब तुम परमानेंटली मौदा में शिफ्ट हो जाओगी ना तो तुम यहीं पे जॉब कर लेना। वैसे तो चबूतरा ने ही बोला कि उसे यहाँ पे जॉब करना है ताकि वो स्कूल में रह सके,
फटाक से गुटका किंग का रिप्लाई था कि यहाँ पर तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। मतलब ये बंदा सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, ये बात तो खुद इसकी बोली से ही समझ में आ जाता है। एंड जब उतना ने जब ये बात बोला कि पैसे मैटर नहीं करते फ्रेंड्स, मैं मतलब अपनापन ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ पे वो प्यार ढूंढ रही हूँ, वो प्यार मुझे यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स हूँ, अपनापन मिलेगा, पैसे मैटर नहीं करते फ्रेंड्स हूँ। तो यहाँ पे गुटका किंग का यही कहना था कि कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ाओगी, तो वो कहती है ड्राइंग। मतलब इतना उसे शेड कर रहा है, इतना शेड कर रहा है, इतना नीचा दिखा रहा है कि इसे कुछ आता जाता नहीं है। ये स्कूल में जॉब करेगी, टीचर बनेगी एंड पढ़ाएगी क्या, ड्राइंग। तो उसे पता है कि इसे कुछ नहीं आता जाता, इसका ऊपर का माला पूरा का पूरा खाली है, इसलिए वो बार बार इसे ब्लॉग में शेड कर रहा है। उसके बाद ये जो गुटका किंग है ना, सिर्फ अपनी बीवी को शेड कर रहा है, बल्कि इसने तो इसको अपने घर पे काम करने वाली वो क्या नाम है, रुखसाना बाजी, उसको भी नहीं छोड़ा। उसको भी बोल रहा है कि हमारे सारे चावल तुम खा ली, मेरे सारे चावल ख़त्म हो गए, तुम लोगों ने सारा चावल खा लिया। मतलब बेशर्म को शर्म नहीं है कि ये लोग नहीं थे तो इनके पीछे उसने इसके घर को संभाला, सारे काम धाम करती है, उसके बाद उसे इस तरह से कहना कि तुमने सारा चावल खा लिया इस वजह से ख़त्म हो गया। मतलब यार गुटका किंग, अपने आप को देखो ना यार, तुम कैसे हो। ज़्यादा नहीं होगा, 4-5 kg कम होगा, बाद बाकी तुम भी रुखसाना बाजी की जितने ही तुम्हारा भी वेट है। लेकिन ये बेशरम, मतलब कि गुटका किंग भी चबूतरी के साथ में रह रह कर के ना टोटली उसके जैसा बन गया है। एंड जब ये चावल वाली बात उठी तो एक बहाना मिल गया चबूतरा को कि अब मैं फिर से जाऊँगी ग्रोसरी शॉप। एंड ग्रोसरी शॉप जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारे आइटम्स वहाँ से ये ले करके आएगी। तो वही चीज़ें हुई, इसे मौका मिल गया बाहर जाने का, घूमने फिरने का। तो ये चली गई बाहर ग्रोसरी शॉप सामान लाने के लिए, घर के जो भी सामान थे वो सारे कुछ। यहाँ भी गुटका किंग ने इसे नहीं छोड़ा, यहाँ भी जब वो शॉप पे सारे सामान निकाल रही थी, चूज़ कर रही थी, यहाँ भी उसने इसे अच्छा खासा जवाब दिया कि तुम एक काम करो ना चालू, तुम ना यहीं पर काम कर लो, इसी ग्रोसरी शॉप में काम कर लो, यहीं पे तुम रहना, यहीं पे सारे काम कर लेना, मुंबई में तुम्हारे लिए एक ग्रोसरी शॉप खुलवा देता हूँ। तो मतलब पूरा बेइज्जत किया है चबूतरा को। एक दिन का जो अभी ब्लॉग बना है मौदा आने के बाद, इसमें काफ़ी बेइज्जती चबूतरा की हो चुकी है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि गुटका किंग ने ही की है। तो खैर ये तो एक दिन का बात है, आगे आगे देखिए कि अभी और कितना ज़्यादा चबूतरा को शेड किया जाएगा। जबकि ऐसा करने के पीछे गुटका किंग का कोई ख़ास मोटिव नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है मोटिव बस इतना ही होगा कि जब ये घर जमाई बन करके मुंबई में रहता है तो इसे भी काफ़ी शेड किया जाता है, काफ़ी कुछ बोला जाता है भाई भाभी की तरफ से, जिसमें चबूतरा की कोई गलती नहीं है, वो तो अधिकतर टाइम इसी का सपोर्ट करती है एंड मेंटली तो इसके ऊपर पूरी डिपेंडेंट है, ये बात तो सब जानते हैं। तो बस गुटका किंग जो है वो इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि चबूतरा मेंटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब वो बोलेगा तब वो फ़ोन पे कर देगी, जब वो भलेगा तब वो UPI पेमेंट कर देगी, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसे सिर्फ पैसे से मतलब है एंड अपने साथ साथ अपने दोस्तों का फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया इसने, मम्मी पापा का भी फ्यूचर सिक्योर कर लिया, अच्छा खासा प्लॉट खरीद करके दे दिया, वहाँ पे बिज़नेस सेटअप कर दिया, मुंबई में भी अपने लिए खुद बिज़नेस सेटअप कर चुका है, अलग से फ्लैट ले चुका है, तो सब कुछ लगभग सेटल हो ही चुका है। बच गए अब क्या, तो बस इसके बच्चे, तो वो भी जब होने के होंगे वो हो ही जाएंगे। एंड इसी चीज़ को, इसी नस को दबा करके, वो कहता है ना कि जो इंसान की सबसे कमज़ोर नस है, अगर आप उसको दबाओगे तो उसके सारे राज बाहर निकल करके आ जाएंगे। तो गुटका किंग समझ चुका है कि चबूतरी का जो कमज़ोर नस है वो यही है कि वो फ़िलहाल माँ नहीं बन पा रही है, इसी नस को उसने दबा करके रखा हुआ है। तो मेंटली चबूतरा टोटली इस पर डिपेंडेंट हो गई है एंड गुटका किंग इसी चीज़ को फ़ायदा में कवर कर करके अच्छा खासा वसूली कर रहा है। एंड मोहदा आया है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत कसर तो वो निकालेगा ही, लेकिन ये चीज़ गलत है।
बिकॉज अगर जिस तरह से चबूतरा इसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, उस तरह से गुटखा किंग भी उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। जिस तरह से ये बोल रहा है कि तुम्हारा एक भी काम मेरे बिना नहीं होगा, तो गुटखा किंग तुम्हारा भी एक भी काम चबूतरा के बिना नहीं होता, हर काम में चबूतरा का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो खैर ये देखिए इसकी नौटंकी कब तक चलेगी एंड कौन कौन से ब्लॉग में और चीज़ें देखने को मिलेगी। वैसे इस ब्लॉग में और भी काफ़ी सारी टॉपिक्स हैं, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पर। तो खैर ये तो है इनकी हरकतें जो इनके व्लॉग में साफ नज़र आती है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।